कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष बने हुए 10 दिन बीत चुके हैं, ना तो भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो पाया है, ना भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो पाई है, ना ही अध्यापक भर्ती का परिणाम जारी हो पाया, ना जूनियर अकाउंटेंट का 15 गुना का परिणाम जारी हो पाया है, और बार बार फर्जी आदेश जारी हो रहे हैं जिससे युवा बेरोजगार बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और यदि जल्द से जल्द अध्यापक भर्ती का परिणाम जारी नहीं किया और वहीं भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी नहीं किया तो एक बार फिर हम कर्मचारी चयन बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। चेतावनी है कि 7 दिन के अंदर अभ्यर्थियों को राहत नहीं दी तो 7 सितंबर को मैं कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर एक बार फिर अनशन पर बैठूंगा। वहीं पीटीआई भर्ती का जिला आवंटन और नियुक्ति आदेश जारी करवाने को लेकर 31 अगस्त को बीकानेर में पहुंच रहा हूं, मेरे साथी पहुंच रहे हैं, वहां भी आंदोलन का आगाज करेंगे। वहीं स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जल्द से जल्द जारी कराने को लेकर आरपीसी के बाद 4 सितंबर को धरना देंगे। और उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, लगातार समय मांग रहा हूं। वही मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से भी मुलाकात करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन तक बात पूछे, क्योंकि लापरवाही बहुत ज्यादा जारी है, क्योंकि अक्टूबर में आचारसंहिता लग जाएगी, नहीं 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी हो पाया है, नहीं लंबित भर्ती प्रक्रियाओं का प्रोसेस तेज हो पाया है। इसलिए राज्य सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि तत्काल एक्शन ले और आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड और बीकानेर निदेशालय को निर्देश दे कि तेज गति से भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें, अन्यथा 7 दिन में कोई कदम नहीं उठाया गया तो कर्मचारी चयन बोर्ड के बाद मंचन भी शुरू करूंगा, बीकानेर निदेशालय भी आंदोलन होगा और आरपीएससी के बाहर भी आंदोलन होगा, क्योंकि लगातार मेरा युवा दुखी और परेशान है, वेबसाइट ट्विटर सोशल मीडिया पर लगा रहता है कब कैलेंडर जारी होगा, कब परिणाम जारी होगा, कब विज्ञप्ति जारी होगी, आखिरकार युवा बेरोजगार के साथ कब तक धोखा किया जाएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है तत्काल एक्शन लें, युवाओं के साथ न्याय करें।